बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं क्रोशे विद सादिया यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज बहुत ही खूबसूरत सा ये लैस जिस डिज़ाइन लेके आई हूँ, इसमें लैस आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और चेन लेंगे। 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो स्लिप नॉट लेने के बाद हम चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरीके से चेन लेते हुए मैं 23 चेन ले लूँगी। ठीक है, 23 चेन ले लूँगी। अब चेन कंप्लीट होने के बाद सातवें वाले लूप में मैं 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे करूँगी। सातवीं वाली चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करूँगी, एक ही चेन में डाल के। ठीक है, अब अगेन 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सात चेन लेने के बाद सातवीं वाली चेन में डाल के 1 सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 सात चेन लेने के बाद सातवीं वाली चेन में डाल के 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 देखिए, अब 7 चेन लेके टर्न करेंगे। 4 5 6 7 सात चेन लेने के बाद टर्न करके वही चीज़ रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 फिर 7 चेन लेके सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। 7 चेन लेने के बाद दो डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 अब 7 चेन लेके अगेन टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सात चेन लेके टर्न किया, यहाँ पे डाल के 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 1 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 फिर 7 चेन लेके सिंगल क्रोशे करेंगे, 7 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 इसी तरीके से ये चीज़ ऊपर रिपीट करती है। ठीक है, अब 7 चेन लेके टर्न करेंगे, यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। 7 चेन लेके सिंगल क्रोशे करेंगे, 15 चेन लेंगे, 15 चेन लेंगे, 1 चेन के साथ इसको डाल के ज्वाइन कर देंगे। 1 चेन में डाल के इसको ये लूप को निकाल के ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, 21 सिंगल क्रोशे करने हैं, 21 सिंगल क्रोशे।
अब यहाँ पे 21 सिंगल क्रोशे करने के बाद स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। दो स्लिप स्टिच हम लेंगे, ठीक है। पहले स्लिप स्टिच में हम रिंग के साथ ज्वाइन करेंगे और दूसरा स्लिप स्टिच हम नीचे जहाँ सिंगल क्रोशे किया वहाँ पे जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब अगेन सात चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेने के बाद दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे करेंगे, एक चेन और दो डबल क्रोशे, एक और दो, फिर सात चेन लेके टर्न करेंगे, अगेन यहाँ पे दो डबल क्रोशे, एक चेन, दो डबल क्रोशे करेंगे, एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सात चेन लेके ग्यारहवीं वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, इलेवन चेन में डाल के ना, इलेवन वाले लूप में डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ पे सात चेन लेंगे और दो डबल क्रोशे, एक चेन, दो डबल क्रोशे करेंगे। अब सात चेन लेके टर्न करेंगे, ये चीज़ रिपीट करेंगे, दो डबल क्रोशे, एक चेन, दो डबल क्रोशे करेंगे, एक और दो। अब सात चेन लेके सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से सात चेन लेके दो डबल क्रोशे, एक चेन, दो डबल क्रोशे करेंगे, अब सात चेन लेके टर्न करेंगे, ये चीज अगेन रिपीट करेंगे। अब तीन लाइन हो गई हैं, तीसरी लाइन के बाद हमने पैटर्न चेंज करना है। सात चेन लेके टर्न करके दो डबल क्रोशे, एक चेन, दो डबल क्रोशे, फिर सात चेन लेके सिंगल क्रोशे करेंगे। अब 15 चेन लेंगे, वही चीज़ हम तीन लाइनों के बाद हम चौथी वाली लाइन जब कर रहे होंगे तब हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। अब ये 15 चेन लेके पहली वाली चेन में डाल के ज्वाइन कर देंगे। अब सिंगल क्रोशे करेंगे, इधर हमने 21 सिंगल क्रोशे किया, 21 सिंगल क्रोशे, देखिए 21 सिंगल क्रोशे हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब पहली वाली चेन में डाल के हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ, ठीक है। जहाँ पे पहला सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब जहाँ पे सिंगल क्रोशे किया था ना वहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच और करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था ना वहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच और करेंगे। अब सात चेन लेके दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे करेंगे, एक और दो डबल क्रोशे, फिर एक चेन और दो ही डबल क्रोशे करेंगे, एक और दो। अगेन सात चेन लेके टर्न करेंगे और दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे करेंगे,
ठीक है। अब दो डबल क्रोशिया एक चेन, दो डबल क्रोशिया करने के बाद सात चेन लेके और यारहवीं वाली चेन में डाल के इलेवंथ लूप में डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पे डाल के एक आप सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम सात चेन लेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे डाल के दो डबल क्रोशिया एक चेन दो डबल क्रोशिया करेंगे। यही चीज़ आप आके रिपीट करते जाएंगे। सात चेन लेके फिर टर्न करेंगे, दो डबल क्रोशिया एक चेन दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, अब इसी चीज़ को आगे आप रिपीट करते जाएंगे तो आपका ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।